इलेक्शन के दो फेज हो गए हैं और 185 सीट्स पे मतदान भी हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि 5 साल आपने जो बिताए हैं उसके बाद भी एक किस्म से एक मोदी वेव आपको दिख रही है? अभी दो फेज के चुनाव हुए हैं, मैं सबसे पहले जहां जहां चुनाव हुए हैं और मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये ठीक है कि मई महीना कोई चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि मार्च अप्रैल तक तो एग्जाम चलते हैं, दूसरी तरफ गर्मी होती है, लेकिन अब एक टाइम टेबल चल पड़ा है। लेकिन जिस उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने वोट किया है, देश के मतदाता अभिनंदन के अधिकारी हैं। विशेष करके मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान हुआ और साथ साथ लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर किसी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि पश्चिम बंगाल एक प्रकार से चुनाव लहूलुहान हो गया, रक्त रंजित रहा। लेकिन शायद हम सबके लिए, लोकतंत्र प्रेमियों के लिए, आज पश्चिम बंगाल एक चुनौती बन रहा है। जहां तक चुनाव नतीजों का सवाल है, सिर्फ फर्स्ट फेज सेकंड फेज तक ही नहीं, 5 साल हमने जो लगातार काम किया है, जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसके कारण मेरा पक्का विश्वास है कि देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के काम पर भरोसा है, हमारी नीतियों पर भरोसा है, और उसके कारण पहले से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। चुनाव प्रचार में भी जहां मैं गया हूं, वहां भी मैंने यही देखा है। और इस चुनाव की एक विशेषता है, मीडिया इस बात को मिस कर गया है। हो सकता है टाइम्स नाउ इसका आगे चल करके फायदा उठाए। 2014 का चुनाव, उसकी क्या विशेषता थी, और 2019 का चुनाव, उसकी विशेषता क्या है? यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मोदी जी। मैं पहले एक बार बता दूं, 2014 का चुनाव जी, उसके जो नतीजे थे, कांग्रेस के पूरे इतिहास में आजादी के बाद जितने चुनाव लड़े गए, लोएस्ट टैली था। सबसे कम लोग पार्लियामेंट में उनके आए, 44। और 2019 की विशेषता है कि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इतनी कम सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, उसके पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, उसको साथियों को, बाहर से लोगों को खोजने के लिए मजबूरी हो गई है। ये एक ऐसी बात है जो देश का मीडिया मिस कर गया है।